डायनासोर्स एक ऐसे जीव जो कि हमारे इस धरती पर आज से 6 बिलियन साल पहले राज किया करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रिसोर्सेज की कमी के वजह से और क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से ये डायनासोर्स हमारे धरती से ख़त्म हो गए। लेकिन हाल ही में अभी यूके यानी कि इंग्लैंड में कुछ साइंटिस्ट की टीम गई थी रिसर्च के लिए, और उन्हें एक आइसलैंड पर ऐसे ही एक डायनासोर की स्पीसीज का फॉसिल्स मिला यानी कि हड्डी मिले। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए हम इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। बेसिकली साइंटिस्ट की कुछ टीम इंग्लैंड के एक आइसलैंड पे गई थी जिस आइसलैंड का नाम है आइसल्स ऑफ वेट। इस आइसलैंड पे जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें कुछ फॉसिल्स मिले डायनासोर के, और उन फॉसिल्स पे रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये डायनासोर आज से 100 मिलियन साल पहले हुआ करते थे जो कि अभी के समय विलुप्त हो चुके हैं। जो डायनासोर का फॉसिल मिला है उस डायनासोर का साइंटिफिकली नाम है वेक्टिपेल्टा बेरेटी। अब ये काफी घुमावदार नाम है, तो इसका एक और नाम जो कि कॉमन नाम रखा गया है एंकाइलोसोरस। अब वेल ये खास इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा डायनासोर है जो कि आर्मोन डायनासोर है। आर्मोन डायनासोर यानी कि इस डायनासोर के ऊपर ऐसे बड़े बड़े धारदार नुकीले कांटे निकले हुए होते थे जो कि दूसरे कोई भी डायनासोर जो कि इसके ऊपर हमला करने आए उससे बचाता था। अब वेल आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग डायनासोर में इंटरेस्ट रखते हो या यूनिवर्स में।